नाज़रीन स्टॉक मार्केट में मौजूद है दाऊद जी। दाऊद, इनके इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो ये मशहूर मरूफ टैरो का रीडर होने के साथ साथ पामिस भी है, एस्ट्रोलॉजर भी है और नेमरोलॉजर भी है। आज हम लोग इनके पास हाजिर हुए। अगर बात की जाए नवाज शरीफ साहब की, तो 21 अक्टूबर को जब से वो पाकिस्तान आए हैं तब से जो है वो एक अलग किस्म की खुलबली सी चल रही है कि जी क्या क्या इकदाम होने वाले हैं, नवाज शरीफ क्या दोबारा वजीर आजम बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, किसको सीट देंगे। उसके अलावा जो अब उनके खिलाफ अपीलें बहाल करने का जो है वो अदालत ने नोटिस दे दिया, उसके बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। बड़ी बड़ी क्वेश्चन को ये अगर माने जा रहे हैं तो मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि नवाज शरीफ साहब वापिस तो आ गए हैं, अब क्या धचका देने वाले हैं आवाम? सबसे पहले तो आप लोग मानते ही नहीं थे कि नवाज शरीफ ने आना भी है कि नहीं। हमने इतनी प्रिडिक्शन की कि वो आ रहे हैं। आपकी पेशेंट कोई सच्ची हो गया कि वो आ रहे हैं? और हमने ये भी प्रोडिक्शन की थी कि नवाज शरीफ तो आएंगे मगर खान साहब अभी जो है वो जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे, तो वो भी अभी तक बाहर नहीं आए। तो ये बस अल्लाह का खास करम होता है। और दूसरा ये कि अब नवाज शरीफ आ गए, तो एक बात तो आप याद रखिएगा कि नवाज शरीफ साहब जो है उसके साथ कुछ कुदरत की खास देवी मेहरबान हो जाती है कि मार्शला होने के बावजूद भी नवाज शरीफ जो है वो चले भी जाते हैं, आ भी जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो है उनका मासूम सा चेहरा जो है वो लोगों के दिल को बहार जाता है। और वो फिर ऐसे लगता है कि जैसे नवाज शरीफ जो है वो आ गए और छा गए, इस तरह की एनर्जी को लेकर पैदा हुआ है नवाज शरीफ। तो अभी तो हम देखेंगे नवाज शरीफ की करंट एनर्जी और फिर हम बात करेंगे कि आने वाले वक्त की एनर्जी क्या रहेगी और आवाम को क्या क्या धचका देने वाले, और आवाम को क्या क्या धचका देने वाले। बिल्कुल जाहिर बात है जो हुक्मरान होते हैं वो हमारा खून चोड़ने के लिए आते हैं और हम बड़ी मोहब्बत के साथ जो है इनसे चढ़वा लेते हैं। और फिर हम जो कहते हैं महंगाई हो गई, हालात खराब हो गए, और फिर नए नए बदलते चेहरों के साथ ये लोग आते हैं, नए मंशूर के साथ आते हैं और फिर पाकिस्तान को हड़प करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। और ये लोग पाकिस्तान में आते हैं पैसा कमाने के लिए, लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं पैसा कमाने के लिए। ये खास कौम है ऐसे ही हमारे पास आई हुई अल्लाह ताला की तरफ से, जो पाकिस्तान पैसा कमाने के लिए आती है। मगर जिस तरह भी है तो पाकिस्तान ही चले, जहां भी हैं जिस तरह भी हैं, कोई गैर तो नहीं आके लूट के जाता, अपने ही लूटते हैं ना। तो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं नवाज शरीफ साहब की करंट एनर्जी। तो यहाँ पे कार्ड हमारे पास मौजूद है, तो नवाज शरीफ साहब की करंट सियासी एनर्जी क्या नजर आती है? तो नवाज शरीफ साहब की करंट सियासी एनर्जी क्या नजर आती है, नवाज शरीफ साहब की करंट सियासी एनर्जी क्या नजर आती है? तो जनाब 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 नवाज शरीफ साहब आ तो गए हैं, फंस गए हैं। अच्छा फंस गया आके। देखो जी यहाँ पे पहला कार्ड ये है कि तब्दीली। तब्दीली कुछ इस तरह की है कि बड़ी बड़ी तब्दीली। दूसरी ये कि अभी अदालतों के चक्कर लगेंगे। अच्छा। और काफी केसेस हैं अदालतों के चक्कर। तीसरा ये कि प्रेशर, अवाम का प्रेशर, कहीं कहीं अवाम का प्रेशर रहेगा नवाज शरीफ साहब के ऊपर। तो करंट एनर्जी में तो वो प्रेशर में आ गए हैं, पाकिस्तान में आके घबराए हुए हैं, प्रेशर में है, टेंशन में है। प्रेशर को टैकल करते हुए वो वज़ीर आज़म बन पाएंगे या फिर ये शहबाज शरीफ को मिल जाएगा ओहदा या मरियम नवाज को मिल जाएगा? हाँ, आप देखते हैं कि जी नवाज शरीफ की आने वाली एनर्जी कैसी नजर आती है। करंट की तो हमने बता दी है, अब देखते हैं जी नवाज शरीफ साहब की आने वाली सियासी एनर्जी क्या नजर आती है। तो कार्ड्स की एनर्जी से देखते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की आने वाली एनर्जी क्या नजर आती है। आने वाले वक्त में मियां नवाज शरीफ साहब की 3 महीनों की एनर्जी देख लेते हैं। नवाज शरीफ साहब की आने वाले वक्त में सियासी एनर्जी क्या नजर आती है? और जनाब यहाँ पे ये है कि नवाज शरीफ साहब बड़े अच्छे तरीके से ट्रैकल कर रहे हैं, डील हो चुकी है, ये डील का कार्ड है, डील हो चुकी है। और उनके साथ 2-3 बातों के ऊपर बातचीत चल चुकी है, लेकिन प्रेशर नहीं खत्म होगा। जो खान साहब का डर खौफ है वो नहीं नवाज शरीफ के ऊपर से जाना, और प्रेशर रहेगा, प्रेशर की सूरत हाल बिल्कुल नजर आती है। और नवाज शरीफ साहब को प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है यहाँ पे, क्योंकि मैं नवाज शरीफ साहब के कार्ड निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे खान साहब के भी कार्ड निकालने पड़ेंगे। खान साहब का आजकल ना साइफर के मामले में बड़ा जो है वो चल रहा है चर्चा, और अब 31 को है, फिर यकम को है समाज, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि क्या पता उन्हें साइफर के केस में लंबाई लटका दिया जाए। तो देखते हैं जी खान साहब की करंट एनर्जी क्या नजर आती है, खान साहब की करंट सियासी एनर्जी क्या नजर आती है, इमरान खान साहब की करंट सियासी एनर्जी क्या नजर आती है। तो खान साहब डबल माइंडेड है,
और खान साहब का दिल टूटा हुआ है, डिसहार्ट है खान साहब, यहाँ पे परेशान हैं, डबल माइंडेड हैं, इनको अच्छी खबर नहीं मिली नवाज शरीफ साहब के आने की और परेशान हैं बेचारे। दो तीन जो बातों के ऊपर जो है वो बात करना चाह रहे थे। साइफर का मामला कैसा रहेगा खान साहब का, साइफर की वजह से खान साहब के ऊपर क्या मामलात रहेंगे? तो साइफर का मामला जो है वो काफ़ी हद तक जो है उसका प्रेशर है, लेकिन साइफर के मामले में शायद कहीं ना कहीं से बचत हो जाए, यानी कि इसको पूरा हैंडल करने की कोशिश करेंगे खान साहब। और फिर अचानक ये है कि साइफर का खान के हक में फैसला आ जाए और खान साहब बाहर आ जाएं, और जैसे खान साहब बाहर आएंगे नवाज शरीफ के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और खान साहब की गुड्डी चढ़ सकती है, ऐसी एनर्जी नजर आ रही है खान साहब की। खान साहब को कह चाहिए कि घबराना नहीं है, जिस तरह खान साहब जलसों में कहते थे घबराना नहीं है, तो बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए और जो भी हालात हो डट के मुकाबला करना चाहिए। वो जो नारा था डट के खड़ा है कप्तान, तो कई लोग जो है अब भी इंतजार में हैं कि कप्तान डटा रहे, खड़ा रहे और हालात उनके हक में। मौजूदा हुकूमत है वो निगरा हुकूमत की है, निगरा हुकूमत कर रही है इस वक्त, तो क्या लगता है निगरा हुकूमत कब तक रहने वाली है? निगरान हुकूमत कब तक रहेगी इसको देखते हैं। निगरान हुकूमत जो है काकड़ साहब जो है वो कब तक रहेंगे, तो निगरान हुकूमत जो है वो कब तक रहती हुई नज़र आती है, तीन कार्ड की नदी से देखते हैं। निगरान हुकूमत जो है अभी तो वर्किंग कर रही है, इसको धक्का लगाएंगे लंबा चलाने के लिए, कोशिश यही होगी कि इलेक्शन को डिले करें, निगरान हुकूमत से फ़ायदा लें, काम लें, तो निगरान हुकूमत अभी वर्किंग करेगी, इसके ऊपर वर्किंग हो रही है। मैं समझ रहा हूँ कि निगरान हुकूमत से अभी और ज्यादा काम लिया जाएगा, निगरान हुकूमत से और ज्यादा काम लिया जाएगा। तो सर ये बताइए कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो आजकल बड़ी एक्टिव नजर आती है, उनकी एनर्जी क्या है? मरियम नवाज की मौजूदा करंट एनर्जी देखते हैं, मरियम नवाज साहिबा की मौजूदा करंट एनर्जी क्या नजर आती है। तो मरियम नवाज तो अभी प्रेशर में है, थोड़ा सा जिद्दोजहद कर रही है पार्टी को स्ट्रगल करने के लिए और मीडिया के ऊपर बड़ा जबरदस्त वर्किंग हो रहा है, तो थोड़ी सी वर्किंग के बाद मरियम नवाज बेहतर पोजीशन पे चले जाएगी, बेहतर पोजीशन पर जा सकती हैं वो। अच्छा सर ये बताइएगा कि मुर्शिद की अगर बात की जाए, स्टेट बैंक ने जो है एक स्टेटमेंट जारी किया है कि जी डॉलर्स में कमी हो चुकी है और हमारा स्टेट बैंक में वो उतनी रकम जर मुबादला नहीं रहा जितना होना चाहिए था, तो कमी की जो है वो खदशात सामने आ रहे हैं, तो क्या समझते हैं मुर्शिद किस लाइन पर आए इस वक्त? एक तो ये है कि कौमी बचत में जिन लोगों ने काफी ज्यादा पैसे जमा करवाए हुए हैं, कोशिश करें उसमें कम करें, ऐसा ना हो कि स्टेट बैंक की तरफ से ऑर्डर आ जाए कि जी कौमी बजट के जो जो पैसे हैं उसमें 5-5 लाख रुपया रख दो या उसका प्रॉफिट कम आ जाए, इस तरह का एक प्रिडिक्शन मैं आपको दे रहा हूँ। और दूसरी ये कि अभी थोड़ी सी मौशी तंगी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होंगे चीजें काफी हद तक बेहतर हो जाएंगी। इलेक्शन कमीशन और कोर्ट्स का जो है वो आपस में जो एक चल रहा है सीन, और अब जो है वो कोर्ट ने भी कह दिया कि जल्दी इलेक्शन करवाया जाए, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि जी हल्का बंदियों के फौरन बाद ये काम हो जाएगा, तो क्या समझते हैं कि अभी हमारी अदलिया भी जो है वो अटैच हो गई है, तो अब हमारी अदालत जल्दी जो है वो इलेक्शन करवा पाए? मार्च अप्रैल जो है इलेक्शन है, नहीं तो अगस्त में इलेक्शन है। जबरदस्त हो गया। अच्छा जी आरिफ अलवी साहब की बात की जाए, तो आरिफ अलवी साहब ने ट्विटर पे एक ट्वीट की और कहा ये कि जी इमरान खान मेरा लीडर है, अगर मैं जो है वो असदर ना होता तो मैं जेल में होता। तो आरिफ अलवी साहब जो है वो खान साहब को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, क्या वो पीटीआई में अपनी जो है वो राह हमवार कर रहे हैं? तो आरिफ अलवी के कार्ड पीटीआई के हवाले से देख लेते हैं जी, आरिफ अलवी पीटीआई में क्या अहमियत रखेगा, आरिफ अलवी साहब के पीटीआई में क्या अहमियत नजर आती है, आरफ अलवी साहब की पीटीआई में क्या अहमियत नज़र आती है? तो आरफ अलवी जो है देखें जी, आरफ अलवी जो है वो मीटिंग करेगा, गुफ्तगू करेगा, अगर खान साहब बाहर आते हैं तो अपने सारी चीज़ें और सारे मामला सामने पेश करेगा कि ये इस तरह के मामला थे, अगर मैं ना वहाँ पे जो है अरबाब इख्तियार की बात मानता तो डेथ कार्ड है तो मैं भी जेल जाता, तो मजबूरन मुझे ये फैसला करना पड़ा, मैं अब भी आपके साथ हूँ, तो शायद फिर खान साहब उसके लिए कोई नरम गोशा रख लें। जबरदस्त हो गया। अच्छा सर मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो वर्ल्ड कप को थोड़ा सा टच कर लेते हैं और साथ में जो है वो फलस्तीन के बारे में कुछ अपडेट्स दे दीजिए। वर्ल्ड कप में क्या हम लोग सेमीफाइनल तक जाएंगे? पाकिस्तान टीम क्या एक ही कार्ड से देखते हैं सेमीफाइनल तक जाएगी? पाकिस्तान टीम एक ही कार्ड से क्या सेमीफाइनल तक जाएगी? तो सेमीफाइनल तक जाने के लिए दूसरी टीमों को जो है वो दुआ करनी पड़ेगी, खासकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सफ़ें बिछानी चाहिए काफ़ी हद तक और दुआओं का सहारा लेके कि दूसरी टीमें जो है वो परफॉर्मेंस कम दें
ताकि पाकिस्तानी टीम जो है साड़ी परफॉर्मेंस हेली रहनी। नहीं, वो पीसीबी ने स्पेशल दुआओं का सिलसिला शुरू किया हुआ एक, और ये नवाफल और दुआओं के साथ पीसीबी जो है वो कोशिश करेगी कि सेमीफाइनल तक पहुंचाए, मगर मुश्किल लग रहा है, स्ट्रगलिंग है। फलस्तीन की क्या अपडेट्स आप शेयर करेंगे कि हम देख रहे हैं कि मामला थम नहीं रहे? फलस्तीन का फ्यूचर क्या रहेगा, फलस्तीन और इसराइल की जंग का फ्यूचर क्या नजर आता है आने वाले वक्त में, फलस्तीन और जो है इसराइल की जंग का फ्यूचर क्या नजर आता है? तो ये जो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, हालात ख़राब होंगे, आलमी सतह पर ये जंग बढ़ती जाएगी, कंट्रोल नहीं होएगी, और मैं समझता हूँ कि शायद तीसरी आलमी जंग की तरफ जो है रास्ते हमवार हो रहे हैं। अभी इसराइल जो है वो उर्दन और जो है और मुल्कों की तरफ, ईरान की तरफ, उर्दन की तरफ, मिस्र की तरफ जो है वो पेशकदमी कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है जी, और अब जो है मुझे भी खदशात होने लगे हैं क्योंकि जी कल रात की बात है, तकरीबन 9 बजे के करीब जफरवाल के सेक्टर में 4 जगहों पर जो है वो गोलाबारी भी की गई है, और अब थोड़ा सा मामला थमा है, लेकिन सुनने को यही आ रहा है कि शायद इसको मजीद फैलाया जाएगा। क्या पैगाम देंगे आखिर में आप देखने वाले अवाम को? अवाम के लिए यही पैगाम है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर कायम किया, ये मुल्क हमेशा रहने के लिए है, हमेशा कायम रहेगा, दायम रहेगा, कलमे की बुनियाद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सिमत से खुशबुओं का आना और खाना काबा के दरवाज़े का पाकिस्तान की तरफ खुलना, यहाँ उम्मीद की किरणें और अल्लाह का करम हमें जाहिर करता है। इंशाल्लाह पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए पॉजिटिव रहें, महंगाई हो जाए, जो मर्दी हालात हो जाए, इंशाल्लाह ये पाकिस्तान अक्वामे आलम को लीड करेगा, ये प्रिडिक्शन है, और एक वक्त बताएगा कि पाकिस्तान ऐसा करता हुआ नजर आता है।